अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा तालबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। आओ अंग्रेज़ी सीखे। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेसन है और हमारा टॉपिक है वो लेसन नंबर 67 67 प्रोफेशंस एंड अकूपेशन, जिसको उर्दू में कहते हैं पेशे और कारोबार। किस किस्म के पेशे आते हैं और किस किस्म के कारोबार आते हैं, इन तमाम के मुताबिक आज की इस वीडियो में हम जो है मालूमात हासिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम फार्मर का मतलब होता है किसान। उसके बाद गोल्ड स्मिथ को कहते हैं सुनार। क्या कहते हैं? सुनार। उसके बाद गन स्मिथ, इस्लाह साज, जिसको हम कहते हैं बंदूकें और ये जो अलग जो गन के टाइप की चीज़ें आती है वो बनाने वाला। उसके बाद में गार्डनर, माली, जो बाग की रखवाली करता है, बाग की देखभाल करता है, उसे क्या कहते हैं? गार्डनर, माली। उसके बाद जज को उर्दू में कहते हैं मुनसिफ। क्या कहते हैं? इंसाफ करने वाला, जो अदालत में जो जज होता है, जो फैसला सुनाता है, उसे क्या कहते हैं? जज। उसके बाद ज्वेलर, क्या है? ज्वेलर, जौहरी। लॉयर, वकील, मैनेजर, मुंतजिम, जो किसी भी काम का इंतज़ाम करता है, मुनज़्ज़म करता है किसी भी काम को, उसे क्या कहते हैं? मैनेजर। मिल्कमैन, गवाला, क्या कहते हैं? गवाला, यानी दूध वाला। उसके बाद मैजिशियन, जादूगर। मैसेंजर, पैगंबर, जो मैसेज पहुंचाने वाला, पैगाम पहुंचाने वाला। उसके बाद मैकेनिक, मिस्त्री, मिलर, चक्की वाला। मिलर का मतलब क्या होता है? चक्की वाला। उसके बाद नर्स, जो दवा खाने में जो पेशेंट की हेल्प के लिए और उसकी दवा दारू के लिए और उसकी जो देखरेख के लिए जो जो लेडी रहती है उसे क्या कहते हैं? नर्स कहते हैं। पायलट, हवाबाज, हवाई जहाज़ चलाने वाला, उसे क्या कहते हैं? पायलट। पोएट, शायर, पोएटर, कुम्हार, सॉरी पॉटर, क्या है? पॉटर का मतलब होता है कुम्हार। उसके बाद सिंगर, गुलोकार, गाना गाने वाला। सोल्जर, फौजी। सोल्जर में देखो, यहाँ पर हम देखेंगे तो डी की आवाज़ जो है जी निकल रही, क्या निकल रही है? जे निकल रही है सोल्जर। उसके बाद टीचर, उस्ताद, राइटर, कलमकार, लिखने वाला। वॉचमैन, चौकीदार। फिशरमैन, मछेरा। ऑथर, मुसन्निफ, जो सबक लिखते हैं, हम बयास के अंदर जो किताबों के अंदर सबक देखते हैं ना, तो उसको लिखने वाले को क्या कहते हैं? मुसन्निफ कहते हैं। उर्दू के अंदर अक्सर मुसन्निफ लोग का जिक्र होता है कि इस सबक के मुसन्निफ फला फला है। उसके बाद आर्टिज़न, दस्तकार, हाथों से कोई भी चीज़ बनाने वाला, उसे क्या कहते हैं? दस्तकार। एक्टर, अदाकार। ऑडिटर, मुहासिब, हिसाब किताब करने वाला। ब्लैक स्मिथ, उसके बाद हम क्या है? ब्लैक स्मिथ, लोहार। बारबर, हजाम। बचर, कसाई। बचर का मतलब क्या होता है? कसाई। उसके बाद बेकर, नानबाई, क्या है उसका मतलब? नानबाई। क्लर्क, कारकुन, जो स्कूल के अंदर क्लर्क होते हैं काम करने वाले। कारपेंटर, बुढ़ई, जो लकड़ी की मदद से कोई भी फर्नीचर है, डेस्क है, टेबल है, कुर्सी है, लकड़ी की मदद से जो बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? बुढ़ई। कारपेंटर उसको इंग्लिश में कहते हैं। उसको कॉन्स्टेबल, सिपाही। कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार। कुक, बावर्ची, खाना बनाने वाला। डेंटिस्ट, दंदान साज, जो दांतों का स्पेशल डॉक्टर होता है उसे कहते हैं डेंटिस्ट। क्या कहते हैं? डेंटिस्ट। उसके बाद में है डांसर, क्या है? डांसर, रक्कास, नाचने वाला। उसके बाद में डॉक्टर, मुआलिज, इलाज करने वाला। उसके बाद में ड्रगिस्ट, दवा फरोश, दवाइयाँ बेचने वाला। उसके बाद में ड्राफ्ट्समैन,
नक्शा नवीस, नक्शा बनाने वाला, ड्राफ्ट्स मैन, नक्शा बनाने वाला। उसके बाद डायर क्या है, डायर रंगरेस, क्या कहते हैं कपड़ों को रंगने वाला, उसको कहते हैं रंगरेस, उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं डायर, क्या कहते हैं डायर। ड्रामेटिस्ट, ड्रामेटिस्ट को कहते हैं ड्रामा निगार, क्या कहते हैं ड्रामा को परफॉर्म करने वाला, उसको क्या कहते हैं ड्रामेटिस्ट। इंजीनियर, इंजीनियर। एडिटर, मुदीर, जो अखबार के अंदर जो कुछ खबरों को शाया करता है ना, उसे क्या कहते हैं मुदीर कहते हैं, एडिटर कहते हैं। उसके बाद में है एग्ज़ामिनर, मुमतहिन, जो इम्तिहान क्लास के अंदर इम्तिहान लेने वाला जो है ना, उसे क्या कहते हैं एग्ज़ामिनर कहते हैं, और उर्दू में कहते हैं उसको मुमतहिन। तो प्यारे बच्चों, लेसन नंबर 67 में हमने प्रोफेशंस एंड ऑक्यूपेशंस, पेशे और कारोबार के मुताबिक बहुत सारे यहाँ पर मालूमात हासिल किए, बहुत सारे नए अल्फाज के अंदर हमारे इजाफा हुआ, हमारे ज़खीरे अल्फाज में इजाफा हुआ, बहुत सारे नए नए अल्फाज की मालूमात को हमने यहाँ पर सीखा और उसको पढ़ा। तो प्यारे बच्चों, लेसन नंबर 67 हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आइंदा नई वीडियो के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।